Hello everyone, welcome to my channel Com Scholar. In this lecture video we are going to start a new chapter that is buyback of shares. देखिए ये चैप्टर काफ़ी ईजी है, थोड़ा टेक्निकली समझना पड़ेगा व्हाट इज ऑल अबाउट बायबैक. ऑलराइट, सो पहले हम इसका कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि बायबैक क्या होता है. इसके बाद वी विल मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट. बाय बैक का मतलब क्या होगा यहाँ पे, दैट इज री परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय द कंपनी. यानी कंपनी क्या करती है, जो लिस्टेड कंपनी होती है जिन्होंने अपने शेयर्स इशू किए हुए हैं पब्लिक को, तो कंपनी क्या करती है वापस से पब्लिक से ही अपने शेयर जो है वो परचेज कर लेती है. और रीपरचेज का मतलब यहाँ पर क्या, दैट इज कैंसिलिंग ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स. राइट, पहले समझते बाय बैक कंपनी करती ही क्यों है. यानी कंपनी को ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ पर कंपनी को बायबैक की रिक्वायरमेंट होती है. देखिए बायबैक का मतलब दैट मीन्स अभी हमने देखा कैंसिलेशन, दैट मीन्स कंपनी जब अपने एग्जिस्टिंग जो मार्केट में शेयर्स इशूड हैं उसको शेयर कंपनी उसको शेयर को परचेस कर रही है, तो कंपनी को पैसे तो अच्छे होंगे, तो कंपनी पैसे कहाँ से लाएगी, कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है या फिर कंपनी के पास किसी तरह का रिजर्व हो चुका है, काफ़ी सारा प्रॉफिट रिजर्व हो चुका है. राइट, कंपनी अगर मान लीजिए बायबैक नहीं करती तो कंपनी के पास और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं. कंपनी या तो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेगी, नहीं कंपनी के पास इतना सारा कैश अवेलेबल है या प्रॉफिट अवेलेबल है कि कंपनी जो है डिविडेंड बांटेगी, या तो कंपनी अपने बिजनेस पर एक्सपेंड करेगी. राइट, या फिर कंपनी क्या करेगी कि और कंपनी को टेक ओवर कर लेगी. उसके बाद कोई कंपनी जाती है किसके ऊपर कि आज के टाइम पे कंपनी को वैसे डिविडेंड बांटना ऑलमोस्ट कंपलसरी होता है, बिकॉज शेयर होल्डर जो कहने अक्सर कहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं एक रेगुलर इनकम मिलती रहती है. लेकिन अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी डिविडेंड पे जो टैक्स लगा रखा है चाहे कोई भी डिविडेंड हो, तो कंपनी जो है डिविडेंड बांटने से थोड़ा सा पीछे हटती है. तो इसलिए कंपनी सोचती है कंपनी के पास प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बचाया है, तो कंपनी गिरती डिविडेंड ना बांटने की वजह कंपनी गिरती है बायबैक करना शुरू होती है. राइट, लेकिन बायबैक तब भी कंपनी को कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट अवेलेबल हो, मीन्स कुछ ज़्यादा ही मीन्स इतना इनफ कि डिविडेंड बायबैक करने के बाद भी डिविडेंड बांट रही कंपनी. क्योंकि देखिए कंपनी जो है हर साल कंपनी डिविडेंड बांटती है. मान लीजिए कंपनी ने 2 साल डिविडेंड नहीं बांटा तो वो क्या था, एक तरह से शेयर होल्डर से सोचते हैं हमें डिविडेंड क्यों नहीं मिल रहा, तो शेयर होल्डर के मन में एक डाउट अराइज हो जाता है. ठीक है, तो इस केस में कंपनी जो डिविडेंड इसलिए बांटती है, चाहे कम बांटे चाहे बांटती, लेकिन बांटती है. लेकिन बायबैक वो हमेशा तो नहीं कर सकती, कभी कभी करती है, वो तभी करती है कोई ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर द कंपनी. ऑलराइट, अब बायबैक जिस मैंने बोला बायबैक का मतलब दैट इज रीपरचेज या फिर कैंसिलेशन ऑफ इट्स ऑन एग्जिस्टिंग शेयर्स. राइट, तो देखिए अब बायबैक का क्या कंपनी ऐसे ही कर लेगी, मीन्स कंपनी ने सोचा तभी करेगी, नहीं. कंपनी को अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना होगा कि कंपनी बायबैक कर भी सकती है. राइट, इंटेंशन भी बतानी होगी क्यों कर रही है. राइट, बट कंपनी बायबैक के लिए कंपनी को कुछ कंडीशन पे करनी होगी. क्या कंडीशन है वो, फर्स्ट वन दैट इज बायबैक कैन बी मेड ओनली इफ एग्जिस्टिंग शेयर्स आर फुल्ली पेड. यानी कि अगर एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं तो ही कंपनी जो है बायबैक कर रही है. देखिए हमने पढ़ा था सेम केस रिडेम्पशन प्रेफरेंस. देखिए कंपनी बायबैक ऑब्वियसली तभी कर पाएगी ना, आप समझे कंपनी के शेयर होल्डर हो. ठीक है, तो कंपनी आपसे सभी तो वापस खरीदेगी जब आपने उसकी पेमेंट कर चुके होंगे. तो इसलिए बोलते हैं कि कंपनी बोलती है कि बायबैक तभी करनी जाएगी अगर वो शेयर जो है वो फुल्ली पेड. ये होगी फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड क्या है, अ कंपनी कांट बाय बायबैक मोर देन 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन मार्केट. मान लीजिए कंपनी ने मार्केट में जो है आज टाइम पर मार्केट में 10 लाख शेयर्स जो हैं इशू किए हैं, 10 लाख शेयर्स
तो कंपनी क्या करेगी, इसी का 25%, दैट इज कंपनी जो है 2.5 लाख के शेयर जो कंपनी मैक्स टू मैक्स जो है वो अपने शेयर मार्केट से बायबैक कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। देन प्राइस टू बी पेड कांट बी मोर देन 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व। यानी कि ऑब्वियसली देख, जो कंपनी शेयर्स परचेस करेगी उसकी पेमेंट भी तो करेगी, तो पेमेंट कितनी करेगी, पेमेंट उस पर कंडीशन की कंपनी जो है 25% ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकती। तो कौन से 25%, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व। याद रखना इस चैप्टर में फ्री रिजर्व में आप आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इंक्लूड है। ऑलराइट, एंड द फोर्थ वन दैट इज आफ्टर बायबैक द डेट इक्विटी रेशियो कांट बी मोर देन 2:1, वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने अकाउंटिंग में रेशियोज पढ़ी होगी, डेट इक्विटी रेशियो, राइट, यानी कि कंपनी का डेट जो है इक्विटी से डबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। राइट, ये कब की बात करिए, आफ्टर बायबैक, यानी कि ये आइडियल रेशियो चेंज नहीं रहनी चाहिए। राइट, तो ये कंडीशन है, ध्यान से देखिए इसको अच्छे से आप समझ लेना। राइट, अब देखिए बायबैक तो ये सारे आपकी थ्योरी था, काफ़ी इजी था। अब हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी बैलेंस शीट आपको गिवन है वाई लिमिटेड की, शेयर कैपिटल गिवन है इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर गिवन है स्टैंडिंग दैट इज 20 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख, जनरल रिजर्व 3 लाख, सरप्लस 4 लाख, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 6 लाख, ट्रेड पेबल 5,60,000, फिक्स एसेट 15,60,000, करंट एसेट इन्वेस्टमेंट 6 लाख, इन्वेंट्रीज 8,50,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 5,80,000, कैश एट बैंक 4,70,000। ऑन 1 अप्रैल 2022 कंपनी अनाउंस द बायबैक ऑफ 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। द कंपनी सोल्ड अ मशीन कॉस्टिंग ₹1,60,000, एक्विपमेंट डिप्रिसिएशन ₹30,000 फॉर ₹1,00,000। देखिए कंपनी ने 1 अप्रैल को जो है अनाउंस किया बायबैक का, और कंपनी कितना बायबैक कर रही है, 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने मार्केट में कितने शेयर्स रखें, कैसे निकालेंगे इसको हम, 20 लाख डिवाइड बाय 10, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, दैट इज 2 लाख। राइट, अब कंपनी अगर इसका 25% यानी कि 1/4 कितना हो गया, 50,000 शेयर जो कंपनी कर रही है बायबैक कर रही है, लेकिन किस पे कर रही है, प्रीमियम पे, यानी कि ₹10 जो प्रीमियम और फेस वैल्यू हो गया प्लस ₹1 क्या हो गया प्रीमियम। अब कंपनी ने अपनी एक मशीन बेची जिसकी कॉस्टिंग ₹ कितनी थी, 1,60,000 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 30,000 का, कंपनी ने उसको 1 लाख में बेच दिया। राइट, तो यहाँ पर कंपनी का लॉस हो गया, लॉस कैसे निकालेंगे, 160 की तो थी। राइट, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 30,000 का, 30,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, कंपनी उसकी कॉस्ट कितनी बची, 1,30,000, कंपनी ने बेचा सो कितने पे, 1 लाख, यानी कि कंपनी का लॉस हो गया ₹30,000 का, यानी कि P&L में से ₹30,000 कम हो जाएंगे। सरप्लस कितना है, 4 लाख है ना, 4 लाख में से ₹30,000 कम हो जाएंगे। राइट, तो चलिए तो उसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए सोल्यूशन ऐसे ही करेंगे जैसे हम रिडेम्पशन प्रेफरेंसेस पे करेंगे, दैट मीन फर्स्ट ऑफ क्या होगा हमारा वर्किंग नोट, पहले लिखेंगे अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक, कितना है, दैट इज कितनी कर रही कंपनी, 50,000 शेयर्स कर रही है, सो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 11, दैट इज ₹5,50,000। राइट, तो याद रखना
10 रुपीज़ क्या है फेस वैल्यू, एंड जो 1 रुपये वो क्या है प्रीमियम। अच्छा कंपनी प्रीमियम में बाय बैक क्यों कर रही है? देखो सीधी सी बात है, कंपनी आपसे, आप ओन शेयर होल्डर हो, कंपनी आपसे शेयर खरीद रही है, तब कंपनी को शेयर तब कब बेचोगे? जब कंपनी मार्केट से ज़्यादा शेयर देगी, आप ऐसे देगी तो कंपनी प्रीमियम पे दे रही है ना आपको, तो आप तभी तो आप कंपनी को बेचोगे, अदरवाइज क्यों बेचोगे, राइट। अच्छा वैसे देखिए कंपनी बायबैक तब भी करती है जब कंपनी को लगता है कि उसके शेयर जो है मार्केट में अंडर वैल्यू चल रहे हैं, राइट, एंड इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जैसे देखिए कंपनी में बायबैक तभी जाती है कि जब कंपनी सोचती है कि शेयर मार्केट की वैल्यू क्या है, अंडर वैल्यूड है, और कंपनी उसके ईपीएस भी बढ़ाना चाहती है। सर ईपीएस मीन दैट इज अर्निंग पर शेयर, कि कंपनी आपको हर शेयर पे कितना कमा के दे रही है। जैसे एग्जांपल लूँ, मान लीजिए पहले कंपनी के प्रॉफिट कितना है, 10 लाख रुपए है, कंपनी ने 1 लाख शेयर उतार रखे हैं, यानी कि पहले ईपीएस कितना था, ₹10 पर शेयर, और अब कंपनी मान लीजिए 2 लाख रुपए के शेयर कंपनी ने बाय बाय कर लिए, राइट, तो प्रॉफिट तो उतना ही है कितने का, 10 लाख का, राइट। अब कंपनी के पास शेयर कितने अच्छे, मान लीजिए कंपनी के पास है 80,000 शेयर, सिर्फ 80,000 है, राइट। तो यहाँ पर अब कंपनी के पास ईपीएस कितना हुआ, 12.5, यानी ईपीएस बढ़ गया देखिए अब, राइट, यानी कि अब हर शेयर पे एक हर एक शेयर पे कंपनी आपको 12.5 रुपये कमा के दे रही है, पहले कंपनी 10 रुपये कमा के दे रही थी, तो इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता ही होता है, राइट। चलिए अच्छा अब हम यहाँ पे थे, फर्स्ट ऑफ आपको ये था दैट इज़ आपने लिखा अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बाय बैक दैट इज 50,000 × 11 दैट इज 5,50,000, राइट। अच्छा जैसे हम देखिए हम रिडेम्पशन प्रिपरेशन इस पर कैलकुलेट करते हैं, फेस वैल्यू ऑफ बायबैक, फेस वैल्यू लिखेंगे अपना कितने लिखेंगे, 5 लाख, फिर लेस करेंगे यहाँ पर फ्रेश इशू भी कर सकते हैं कंपनी, तो कंपनी ने कोई फ्रेश इशू करा नहीं करा, दैट मीन्स एंटायर अमाउंट वुड बी टेकन फ्रॉम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बस अब हम जर्नल एंट्री भी आएंगे, कंपनी देखिए क्या करे, कंपनी ने सबसे पहले अपनी एक जो है मशीनरी बेची थी, तो बैंक अकाउंट डेबिट उसको लॉस में बेचा था, P&L अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कंपनी ने बेचा उसको 1 लाख पे 30,000 के लॉस पे, और कंपनी उसको बेचा कितने पे, 1,30,000। अब कंपनी शेयर तो इशू किए नहीं है, तो कंपनी अब क्या करेगी, अब शेयर को कंपनी को पैसे वापस देने हैं, तो एंट्री क्योंकि देखिए यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कैंसिल कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल डेबिट हो गया, अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक टू शेयर होल्डर अकाउंट। That's it.
शेयर होल्डर को हमें इतने पैसे देने हैं। अब कंपनी करेगी सिक्योरिटीज जो प्रीमियम जो था शेयर होल्डर प्रीमियम बायबैक, उसको कंपनी राइट ऑफ करेगी। तो कहाँ से बायबैक करेगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। राइट, देखिए कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने अवेलेबल है, 2 लाख रुपए का है, आराम से हो जाएगा। कंपनी ने सी आर आर भी किया था, सी आर आर कंपनी कहाँ से करेगी? देखिए मैंने बताया ना, इस चैप्टर में हम जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी फ्री रिजर्व लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम अमाउंट लेंगे सी आर आर के लिए, उसके बाद रेस्ट हो गए। तो देखिए सी आर आर कितना अवेलेबल है, सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले कितना 2 लाख रुपये था, 50,000 हमने इसके लिए कितना होता है 1.5 लाख, सी आर आर हमें कितना मिलेगा 5 लाख, तो 1.5 लाख हमारे यहाँ से आ जाएगा। राइट, 3 लाख हमारे यहाँ से आ जाएगा, 4.5 लाख, और बाकी 50,000 हम यहाँ से ले लेंगे। तो देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अमाउंट इन रुपीज 5 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम से कितना रहेगा 1,50,000, यहाँ से पूरा लेंगे 3 लाख, और यहाँ से बैलेंसिंग रहेगा दैट इज 50,000। अब कंपनी जो शेयर होल्डर को पैसे देगी, लेकिन कंपनी शेयर होल्डर को पैसे कैसे देगी? बैंक से। पहले जो यहाँ पर आपको एक बायबैक बैंक अकाउंट क्रिएट करना होगा, बायबैक बैंक अकाउंट क्रिएट करना होगा। कहाँ से? बैंक अकाउंट से। जितनी भी हमें पेमेंट करनी है, कितनी करनी है हमें शेयर होल्डर को 5,50,000 की। इसके बाद हम पेमेंट कर देंगे शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बायबैक बैंक अकाउंट अमाउंटिंग रुपीज 5,50,000। दैट्स इट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इजी था। देखिए आपकी बायबैक में देखिए एक तो ये वाली एंट्री, ये वाली ये देखिए ये 5 एंट्री तो आपकी कंपलसरी होनी है। पहले आपको देखो बताना होगा कितनी ड्यू पेमेंट करनी है शेयर होल्डर को इंक्लूडिंग प्रीमियम, फिर प्रीमियम और बायबैक को आप राइट ऑफ करो सिक्योरिटी प्रीमियम से, इसके बाद सिक्योरिटी क्रिएट करो, इसके बाद शेयर होल्डर को पेमेंट करने से पहले बायबैक बैंक अकाउंट क्रिएट करो। राइट, और फिर शेयर होल्डर को पेमेंट कर दो बायबैक बैंक अकाउंट से। दैट्स इट। राइट, तो ये 5 एंट्री तो आपकी कंपलसरी होनी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। शेयर होल्डर के इनको 3 लाख शेयर हैं, 10 रुपये के हिसाब से 30 लाख,
सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख, जनरल रिजर्व 5 हजार, आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2022 दी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हैव अप्रूव्ड द स्कीम ऑफ द बायबैक। 15% ऑफ द इक्विटी शेयर वुड बी बॉट बैक एट रुपीज 11 पर शेयर। 15% यानी कि कंपनी इसमें से 15% निकाल रही है, तो 15% कितना हुआ, यानी कि 45,000 शेयर है कितने पे, 10 रुपये से, लेकिन कंपनी कितने पे ले रही है, 11 रुपीज़ पे, यानी कि 1 रुपये क्या हो गया प्रीमियम। बैलेंस इन द जर्नलिज्म एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम मे बी यूटिलाइज टू फुलेस्ट एक्सटेंट फॉर द पर्पस, यानी जर्नलिज्म और सिक्योरिटीज प्रीमियम को पहले हमें यूज करना है। राइट, दो ही हमें रिजर्व गिवन है वैसे भी, और तो कुछ गिवन भी नहीं है। आगे लिखा है इशू 12% प्रेफरेंशियल्स ऑफ रुपीज 10 इच एज पर रिक्वायरमेंट पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ओके, तो देखिए इजी है भी। आंसर नंबर टू, पहले बनाएंगे वर्किंग नोट। फेस वैल्यू ऑफ बायबैक कितना आएगा, फेस वैल्यू कितना है, 45,000 शेयर्स इनटू में 10, दैट इज रुपीज फॉर 50,000। इसके बाद हम लेस करेंगे फ्रेश इशू, फ्रेश इशू करा इस बार प्रेफरेंस शेयर्स में कितना करा है, 12% प्रोफेशनल ऑफ रिच एंड एच एज पर रिक्वायरमेंट बोला हुआ है। अब हमें पता नहीं कितना वो चीज़ है, यानी कि हमें पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरली जब यूज़ करने होंगे, तो ध्यान से देखिए एक बार। सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख रुपए का है, कंपनी 45,000 तो कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम में यूज कर लेगी यहाँ से, तो कंपनी कितनी यूज होती है, ओनली 55,000। जनरल रिजर्व कितनी यूज कर लेगी, 5,000, तो कंपनी 60,000 यूज कर सकती है सी आर आर के लिए। राइट, सॉरी यहाँ लिखेंगे अमाउंट अवेलेबल फॉर सी आर आर, क्या गिवन है आपको, हमको गिवन है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस आपको कितना गिवन था, 5,000 रुपये का, एंड ये कितना होगा, 1 लाख नहीं है, 1 लाख में से 45,000 निकालो तो कितना बचा आपके पास, 55,000, यानी कि आप ले सकते हो 60,000 सी आर आर। तो बाकी बैलेंस जो कितना बचा, दैट इज 3,90,000 फ्रेश इशू। राइट, बस अब जनरली पास करेंगे, चलिए एंट्री बताते हैं। सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे, हम पहले जितने इक्विटी शेल्टर देते हैं पेमेंट करनी है हमें,
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक, टू शेयर होल्डर अकाउंट, हमें करना है एज पर 40,000 शेयर्स। इसके बाद हम CRR गेट करेंगे। CRR के लिए हमने कहा से उसके बाद सॉरी पहले हम प्रीमियम बायबैक को रेड ऑफ करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट, के बाद हम CRR क्रिएट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट, दैट इज हम यहाँ से ले रहे हैं 55,000, यहाँ से ले रहे हैं पूरे 5,000 टू CRR, दैट इज 60,000। के बाद हमने 12% प्रेफरेंशियल इशू करे हैं, पार पे करे हैं 12% प्रेफरेंशियल सॉरी बैंक ऑन डेबिट टू 12% प्रेफरेंशियल That is 3,90,000। उसके बाद 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये भी हो गया। बस अब हम जो है शेयर होल्डर पेमेंट करेंगे, किसके थ्रू करेंगे हम, पर हम बायबैक बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे। टू बैंक फोर लैख 90,000 देन शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बाय बैंक बैंक अकाउंट।
4,25,000 राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर टू। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर थर्ड। शेयर कैपिटल गिवन आपको इक्विटी शेयर सो इक्विटी टेन एच दैट इज आपको गिवन है 2400 इन लैक्स में गिवन आपको याद रखना। ये इन लैक्स में अमाउंट जो भी आपको गिवन है सिक्योरिटीज 350 जनरल जो 930 सरप्लस 340 लॉन्ग टर्म बोरेंस 1500 देन आपको कुछ एसेट्स भी गिवन है। ऑन 1 अप्रैल 2022 द कंपनी अनाउंस बायबैक 25% ऑफ द इक्विटी शेयर शेयर्स और ₹15 पर शेयर। देखिए कंपनी के पास एट प्रेजेंट अभी कितने शेयर्स देखिए अगर डिवाइड करेंगे दैट इज 2400 का अगर हम 25% लेके चलेंगे तो कितना है ये 600 यानी 600 लाख। और कंपनी ने उसको जो है 15 रुपये में 15 रुपये कैसे हुए 10 रुपये हुए फेस वैल्यू और 5 रुपये हो गए प्रीमियम। चलिए नेक्स्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट इट्स ऑल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 150 लाख एंड शोड 2,14% पोटेंशियल ऑफ ₹100 एट पार द एंटायर अमाउंट बीइंग पेबल विद एप्लीकेशन द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड द कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बायबैक लेटर द कंपनी इशूड 1 fully paid इक्विटी शेयर रुपीज एनी बायबैक बोनस शेयर्स फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर यानी कंपनी ने यहाँ पर बोनस इशू भी करना चाह रही है 1:4 इशू में कंपनी ने बोनस भी दे दिया। ऑलराइट चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। आंसर नंबर 3 पहले वही बनाएंगे हम वर्किंग नोट। फेस वैल्यू ऑफ बायबैक विच इज 600 मल्टीप्लाइड है हमने का लिखा 600 इन वैल्यू में रुपीज में ना 600 तो दैट मीन्स ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है ना तो 60 × 10 कर देते हैं इसको तो ये कितना होता है 600 फिर लेस करते हैं हम एज इशू फ्रेश इशू कितने कर रहे हैं 2 lakh शेयर्स दैट मीन्स 200 तो कितना हो गया 400 बाय सी आर आर राइट। बस अब हम जनरेटर स्टार्ट करेंगे पहले देखिए इन्वेस्टमेंट सेल करिए तो देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी 150 लिखे इन्वेस्टमेंट 148 की थी 150 में अच्छा यानी कि प्रॉफिट हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू P&L 150, 148, 2
देन कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू करें 2 लाख के, और सारे जो है एप्लीकेशन में आ गए, सब बैंक अकाउंट डेबिट। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, के बाद देखेंगे हमें प्रेफरेंस होल्डर को पैसे कैसे देने हैं। तो बायबैक शेयर कैपिटल को हम पहले कैंसिल करेंगे, प्रीमियम ऑन बायबैक टू शेयर होल्डर अकाउंट, के बाद अब हम प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ। सिक्योरिटीज प्रीमियम बस कितने बैलेंस अवेलेबल है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 350 है, कोई दिक्कत नहीं है, 300 करना है। इसके बाद हम सी आर आर क्रिएट करेंगे, बट सी आर आर के लिए हम पहले सिक्योरिटी स्क्रीन यूज़ करेंगे। 350 में से 300 यूज़ कर लिए तो 50 बचे, और फिर जनरल जो 930 है तो बाकी सारा हम पहले फिर हम जनरल जो से लेते हैं। हमें सी आर आर कितने क्रिएट करना है, वैसे 400 दिक्कत नहीं है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू सी आर आर टोटल करना हम 450 यहाँ से, 350 यहाँ से, इसके बाद शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे बायबैक, बैंक अकाउंट टू बैंक, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बायबैक
बैंक अकाउंट के बाद बोनस भी इशू किया जाएगा कितने 1:4 इशू, तो बोनस कैसे निकालेंगे? होल्ड शेयर्स देखो, पहले कंपनी के पास जो है टोटल कितने शेयर्स थे, टू फोर्टी थ्री। उसके बाद कंपनी ने उसको कुछ को तो कंपनी ने बाय बैक कर दिया, कितने कर दिए? 60 शेयर। एट इसके बाद कंपनी ने कुछ फ्रेश इशू भी किए, कितने किए? 20 शेयर्स, तो ऐड हो जाएगा। सो टोटल कितने हो गए? 200। सॉरी, एक्चुअली कंपनी ने तो प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे ना, सॉरी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, तो यहाँ पर आप ना प्रेफरेंस शेयर लिखोगे। तो इसका मतलब कंपनी जो है ₹2400 के थे, 600 रुपये कंपनी ने बायबैक कर दिए, कितने बचे? 1800। राइट, इसमें से 1/4 यानी कंपनी 450 रुपये की कंपनी जो है बोनस इशू कर रही है। राइट, तो बस एंट्री करेंगे बोनस की, तो वही एंट्री थी हमारी। अच्छा, बोनस कंपनी कहाँ से लेकर आएगी? CRR से। CRR हमारे कितने का है? 400 रुपये का है, बाकी 50 रुपये कंपनी जनरल रिजर्व ले लेगी। तो CRR अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू अकाउंट। ₹400 कंपनी यहाँ से ले लेगी, सॉरी 50 यहाँ से, और हो गए पूरे 450। बस अब क्या एंट्री होगी बोनस शीट में? शेयर कैपिटल कहा, तो देखो मेरे चैप्टर काफ़ी इजी है, आपको बस जनरेटरी फोकस करना है कि कुछ जनरेटरी कुछ छूट ना जाए। चलिए नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ आरएल लिमिटेड। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹10 लाख, जनरल रिजर्व 2 लाख, सरप्लस 8 लाख। असर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स द कंपनी कैन बाय बैक एट अ प्राइस ऑफ ₹20 ईच। देखिए इस बार ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल दे दिया। इस बार अगर एक तरह से पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, एक रफली फिगर दे दी और फिर कंपनी को डिसाइड करना है कि कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर जो बायबैक कर सकती है। कंपनी ने बायबैक का प्राइस को बता दिया कितना, ₹20 के हिसाब से, लेकिन कितने करने हैं वही निकालना है। राइट, तो कैसे करेंगे? देखिए इसके लिए क्या करना है आपको, एक बार ये कंडीशन यहाँ से देखो,
जो मैंने आपको पहली कंडीशन लगाई थी, पहली कंडीशन कहते हैं कि बायबैक कैन बी मेड ओनली इफ एग्जिस्टिंग शेयर्स आर फुली पेड अप, तो वो तो फुली पेड अप है। उसके लिखा है कंपनी कांट बाय मोर देन 25% ऑफ द शेयर्स इन्वर्टेड। तो यहाँ पर देखिए आंसर नंबर फोर, पहले चेक करो फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन देखिए यहाँ पर क्या क्या मेनली तो तीन कंडीशन है, कौन कौन सी है, नॉट मोर देन 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, राइट। सो कैसे निकालेंगे यहाँ पर हम, कंपनी कितने शेयर इशू कर चुकी है यहाँ पर, 10 लाख, राइट, सॉरी 1 लाख शेयर्स। सो 1 लाख का 25% निकालो, कितने हो गए 25,000 शेयर्स। कंपनी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कंपनी 25,000 शेयर इशू नहीं कर सकती। सेकंड कंडीशन क्या थी, कंपनी कांट पे मोर देन 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, राइट। तो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कंपनी के पास कितना है, 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 8 लाख, कितना हो गया 20 लाख। बीस लाख का 25% कितना हो गया, 20 लाख का 25% हो गया 5 लाख, राइट। और बायबैक कितने भी करी कंपनी, 20 रुपये करी है, तो यहाँ पे आंसर कितना 25,000 शेयर्स, राइट। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि डेट इक्विटी जो है 2:1 के रेशियो से ज़्यादा नहीं चाहिए और नहीं होना चाहिए आफ्टर बायबैक। अब क्वेश्चन जैसे तो ये कंपनी ने यहाँ पर हमें डेट दिया ही नहीं हुआ, कंपनी से भी इक्विटी दी हुई है, डेट दिया नहीं हुआ, तो तीसरी कंडीशन हम चेक नहीं कर सकते। तो दोनों, तो हमने जो फर्स्ट टू कंडीशन जो हमने चेक की है उसमें से जो भी लिस्ट होगा वो हम क्या मान के चलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कंपनी कैन बायबैक। तो दोनों का आंसर सेम बना है, तो क्या है 25,000 सर, दैट्स इट। Now moving to answer number 5. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अनलिमिटेड कंपनी क्या प्लान्स टू बाय बैक 150,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 12.5 पर शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इक्विटी दे रखी है आपको 80 लाख रुपए, यानी कि 8 लाख शेयर हो गए। प्रेफरेंस शेयर गिवन आपको, सिक्योरिटीज प्रीमियम CRR भी गिवन आपको, जनरल रिजर्व, सरप्लस अकाउंट, 12% डिवेंचर्स, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, करंट लाइबिलिटीज। कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कंपनी कैन बाय बैक एज पर प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2019। देखिए इस कंडीशन, इस क्वेश्चन में हमें जो है सारी कंडीशन चेक करनी होगी। तो देखिए पहली कंडीशन क्या होती है, कंपनी कांट बाय मोर देन 25% ऑफ द इशूड कैपिटल, राइट। कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, 8 लाख शेयर्स हैं, राइट, 8 लाख शेयर्स हैं, 8 लाख का 25% निकालो, यानी कितने हो गए 2 लाख शेयर्स। सेकेंड कंडीशन थी कंपनी कांट पे मोर देन 25% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस पेड अप कैपिटल। तो क्या क्या ऐड करेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर हम ऐड करेंगे $80 लाख, $20 लाख, $24 लाख, 22 लाख एंड 6 लाख, क्योंकि यही सब फ्री रिजर्व है। CRR तो फ्री रिजर्व में आता नहीं है, अपना सबको ऐड कितना होगा 1 करोड़ 1 करोड़ 24 लाख और 1 करोड़ 52 लाख हो गया, 1 करोड़ 52 लाख। तो बस पहले यहाँ लिखोगे
एक तो हो गया 80 लाख, 20 लाख, 24 लाख, 22 लाख और 6 लाख। इसका 25% मिले चलना है, जो कि आएगा 38 लाख। और भाई भाई की वैल्यू कितनी है? 12.5। इससे जो सारा दैट इज आएगा पर 3,04,000 शेयर्स। ये हो गई सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या थी कि आफ्टर बायबैक कंपनीज डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1, राइट? डेट इक्विटी रेशियो 2:1, तो डेट इक्वल्स टू डबल ऑफ इक्विटी, राइट? इक्विटी का मतलब क्या होता है पर हाफ ऑफ डेट, डेट कितना आपको गिवन आपको सारे लॉन्ग टर्म लोन लेके जाएंगे हम दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन कितना हो गया 2,72,00,000 रुपये। यहाँ कितना हो गया हाफ ऑफ 272, तो ये कितना हो गया अपना 1,36,00,000 रुपये, राइट? तो और कंडीशन क्या बोलती है कि इक्विटी रेशियो जो है डेट रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? हमारे पास इक्विटी कितनी बची, कितनी रखी? अभी हमने इक्विटी निकाले, कितनी निकाल दिया हमने इक्विटी, हमने कर दी, सबको ऐड करेंगे ना ये हम, तो कितना हमारा है 1,52,000। 1,52,000 में से इस इक्विटी को माइनस करेंगे 1,36,00,000, राइट? और हमारा बायबैक की वैल्यू कितनी है 2.5। बस ये सारेगा हमारा आंसर 1,28,000 शेयर्स, राइट? अब देख सकते हो तीनों, इस बार तीनों कंडीशन में से हमारी शेयर्स की वैल्यू अलग आ रही है। तो सबसे लीज कौन सी हुई है अभी 1,28,000, तो यही हमारा फाइनेंस। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी कैन बाय बैक दैट इज 1,28,000, राइट? So this is the all about that is buyback. I hope you have understood very well. Thank you.